नमस्कार, मैं श्रेया यादव, आप देख रहे ज्ञानवापी मस्जिद मामले में क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी के अदालत में घमासान मचा हुआ है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि शुक्रवार जुम्मे का दिन है, ज्ञानवापी मस्जिद से नमाजी नमाज अदा करके निकल रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस बल की पूरी टीम ने सुबह से ही तगड़ा इंतजाम किया हुआ है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के बाद पहली बार 20 मई शुक्रवार को जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। वजू खाने के सील होने के चलते शुक्रवार को जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने आपसी तालमेल से नमाजियों को पहले से ही इत्तला कर दिया था कि वे अपने घरों से वजू करके आए। साथ ही मुस्लिम समाज को इस बात की हिदायत दी गई थी कि निर्धारित संख्या से अधिक लोग नमाज पढ़ने न आवें। बताते चले कि पिछले दिनों कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में कथित रूप से शिवलिंग मिलने की खबर के बाद वाराणसी न्यायालय ने उक्त स्थान को सुरक्षित रखने के लिए वाराणसी के जिला प्रशासन को आदेश दिया, जिसके चलते वह स्थान भारी सुरक्षा के बीच सील कर दिया गया। इसके पश्चात इस पूरे मामले को लेकर वाराणसी न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकार अधिवक्ता और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते देश भर की मीडिया का जमावड़ा इन दिनों बनारस में लगा हुआ है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल से खबर की सनसनी फैलाकर टीआरपी बढ़ाने में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस में मुस्लिम पक्ष का कोई भी जिम्मेदार और समझदार प्रतिनिधि इन मीडिया वालों को घास नहीं डाल रहा है। लिहाजा अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली से आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि कमीशन रिपोर्ट को सर्वे बताकर झूठ परोसने में जुटे हैं। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के बाद इस पूरे मामले में अब सबकी निगाहें स्थानीय न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय के इंतजार में टिकी हुई है। खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं। क्लाउन टाइम से खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें। कैमरामैन निखिल के साथ श्रेया यादव की खास